चाहे डीजल की कीमत हो, आज कानून व्यवस्था टूट टोटल प्रदेश के अंदर आज मेन सबसे बड़े तीन मुद्दे हैं। एक मिनट जीतराम जी, तीन मुद्दे हैं। नंबर एक आज लाखों की संख्या में पूरे देश में दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं और ये बेरहम सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। 250 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। आज हम ये समर्थन दे रहे हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रदेश में कुमारी शैलजा हुड्डा साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रखेंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये किसानों के काले कानून वापस ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रदर्शन है ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है। इतनी तादाद में हाजिरी जनसमूह ये बताता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार के दिन लग चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज करनाल के अंदर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरन दिया। आज उनके विरोध में हजारों की संख्या में आपके सामने लोग इकट्ठे हैं। जब भी चुनाव होंगे ये सरकार जाएगी। आज इनका कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री इनकी गाँव में शहरों में एंट्री नहीं है। ये एक जन विरोध है और वो जन विरोध दिखाने के लिए, लोगों का समर्थन, लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का ढेरों मुबारकबाद और लोगों से अपील करते हैं कि आप इस सरकार के खिलाफ खुल के सड़कों पे आएं और इस सरकार को चलता। कई जगह किसानों ने जो है 100 रुपए लीटर दूध बेचने के बारे में आज कहा गया है 1 मार्च से लेकर, उसको किस तरह से आप ये देखो, पिछले 20 दिनों में मेरा भी पेट्रोल पंप है। आज 20 दिनों में कहाँ पेट्रोल के रेट चले गए, कहाँ डीजल के रेट चले गए, कहाँ घर के रसोई गैस सिलेंडर के रेट चले गए। आज ये सरकार 1-1 हज़ार का चलान कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार कंगली हो चुकी है, सरकार बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो चुकी है, सरकार के दिन लग चुके हैं। इनका प्रजातंत्र में कोई यकीन नहीं। ये डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं और आने वाले दिनों में लोग इनका मुंह तोड़ के जवाब देंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। करनाल में राहुल गांधी का दौरा हो सकता है बहुत जल्द। आने वाले कुछ दिनों में श्री राहुल गांधी जी इस हरियाणा के अंदर आएंगे। डेट अभी सुनिश्चित नहीं हुई, स्थान सुनिश्चित नहीं हुआ, लेकिन मैं इस इलाके का जोश खरोश देख के ये कहना चाहता हूँ कि हम राहुल जी से विनती करेंगे कि आप मनोहर लाल खट्टर के इलाके के नज़दीक आएं ताकि आपको पता लगे कि इस सरकार के खिलाफ कितना विरोध है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, देखिए बैलगाड़ी के प्रदर्शन से हम आम आदमी को संदेश देना चाहते हैं कि ये मौजूदा सरकार ने कमर तोड़ महंगाई आम आदमी के लिए कर दी है। आम आदमी की पहुँच से बाहर गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम हो चुके हैं। आज बैलगाड़ी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब आम आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने के लिए सक्षम नहीं है। 100 रुपये के पार डीजल पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, तो ये सरकार जन विरोधी है। सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से हम दबाव बना रहे हैं कि वो आम आदमी को राहत दे और बढ़े हुए दामों को वापस लें। किसानों ने आज 100 रुपये लीटर दूध बेचने का आह्वान किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये सरकार की गलत नीतियों की देन है, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट फार्मर्स का है। सरकार को समझना चाहिए कि किसान इस देश का अन्नदाता है, उनको दबाने का जितना प्रयास करेंगे उतना रोज़।